बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर त्रिवेंद्र सिंह बोलते हुए नजर आए कि विपक्ष पुरानी बातें कह रहा है और साथ ही राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के विकास का खाका है। राष्ट्रपति का अभिभाषण विकास के रोडमैप का दर्शाता है। विपक्ष जो रटी रटाई बातें होती हैं पुरानी, वही बोल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार का फ्यूचर का जो प्लान है वो स्पष्ट झलकता है कि आगे सरकार का किस तरह से देश के विकास का जो खाका है उन्होंने तैयार किया है और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ये $5 ट्रिलियन की किस तरह से अर्थव्यवस्था बनेगी वो सब उसमें दिखाया गया है। देश की एकता अखंडता, देश की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जो गरीब लोग हैं देश के, महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, उसके लिए सरकार का भावी रोड मैप ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में साफ साफ दिखाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया और बयान क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहते हुए नजर आए और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि वो आपको बताएंगे और साथ ही वो कहते हुए नजर आए बयानबाजी की, विपक्ष पुरानी बातें कह रहा है। ये त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि वे पुराने मुद्दों को उठा रहा है, पुरानी बातें बोल रहा है और राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के विकास का खाका है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया